आगामी 3 दिसंबर को यानी परसों राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव समेत सभी कद्दावर नेता गढ़वा जिला मुख्यालय में जुटेंगे। स्थानीय टाउन हॉल के मैदान में एक कार्यक्रम होगा। आज तक जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जनता आती है, भाषण सुनती है, कभी खाने का व्यवस्था अगर हुआ राजनीतिक पार्टी द्वारा तो भीड़ में किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, यानी खाली हाथ लौटती है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो 3 दिसंबर को कार्यक्रम आहूत किया गया है उसमें उसी जनता को जो केवल नेताओं के भाषण सुनकर लौट जाती है उन्हें सम्मान मिलेगा। बजापते उनका पैर धोते हुए और वस्त्र के साथ उन्हें सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का ही नाम पैर पूजाई कार्यक्रम है। शायद ही कभी हुआ होगा, मुझे तो याद नहीं है इतने साल की पत्रकारिता में कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ऐसा हुआ हो जहां जनता मौजूद रही हो और उन्हें सम्मानित किया गया हो। जितने भी लोग आएंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनका पैर पूजा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, साथ ही उस कार्यक्रम में कौन कौन नेता शिरकत करेंगे, इन सभी बातों की जानकारी राजद के गढ़वा जिला अध्यक्ष सूरज सिंह द्वारा प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। क्या कहा सूरज सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। आगामी 3 दिसंबर 2023 दिन रविवार को स्थानीय टाउन हॉल गोविंदा स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा देवतुल जनता मालिकों का हम लोग पैर पूजा कार्यक्रम जो रखे हैं, जो देवतुल जनता मालिक हमारे हैं उनका हम लोग पैर पूजा कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के नेता चतरा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी माननीय श्री सुभाष प्रसाद यादव जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक संजय सिंह यादव जी रहेंगे, झारखंड सरकार के मंत्री माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी उपस्थित रहेंगे एवं प्रदेश के नेतागण उपस्थित आएंगे इस कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम गढ़वा जिला में बहुत दिनों के बाद राष्ट्रीय जनता दल के बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम लोग का एक ही मकसद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आने वाला जो 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, जो आने वाला जो धर्म युद्ध जो होने वाला है, राजनीतिक युद्ध, उस युद्ध को किस तरह से जीता जाए और भाजपा का जो षड्यंत्र है उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो हम लोग का आह्वान है, इसीलिए हम लोग देवतुल जनता मालिकों का पैर पूजने कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद के रूप में यहाँ के लोग गरीब गुरबा, क्योंकि जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा पिछड़े अकलितों के नेता हैं, उन्होंने ही बेजुबानों को जुबान देने का काम किया है, उन्हीं के द्वारा आज जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़ा लोक समाज के जो लोग हैं, चाहे अन्य अगड़ी जाति में स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, एक साथ लालू जी के साथ इंटैक्ट रहने का काम किए हैं। और आप जानते हैं यह जो जमीन है गढ़वा जिले का, पलामू प्रमंडल का, राजद का उर्वरक भूमि रहा है, उपजाऊ भूमि रहा है, तो इसी को उपलक्ष्य में यहाँ पे यह कार्यक्रम तय हुआ है। और यह कार्यक्रम पैर पूजाई का जो कार्यक्रम है, यात्रा है, ये गढ़वा जिला के 200 प्रखंड में घूम घूम कर हम लोग देवतुल जनता मालिकों के बीच उपस्थित रहेंगे, पैर पूजने कार्यक्रम करेंगे, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी एवं बिहार के जो आर्थिक न्याय के जो नेता बने हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनका जो आह्वान है उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम तय किया गया था, जिसको हम लोग सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। और इसका नतीजा आप देखेंगे, स्थानीय जो टाउन हॉल का मैदान जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हो, ये हम आप लोग के माध्यम से लोगों को अपील करते हैं कि उस दिन कार्यक्रम में हजारों के लोग में उपस्थित हों और सेवा करने का अवसर प्रदान करें। अभी कोई चुनाव या नहीं आ रहा है, इसमें केवल हम लोग यही कह रहे हैं जनता लोगों से कि आप आइए और लालू जी के स्वास्थ्य के लिए हम लोग यह कार्यक्रम रखे हैं कि उत्तम स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ रहे, जिससे हम लोग को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे।